वर्ल्ड कप से पहले अग्नि परीक्षा में लड़खड़ा रही है टीम इंडिया। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2015 की शुरू होने से पहले यह कहा जा रहा था कि भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के लंबे दौरे का फायदा मिलेगा। तो लग नहीं रहा है कि भारतीय टीम की तैयारियां वैसी हैं जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे गंवाने के बाद ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह नाकाम रहे। भारतीय सुरमा बल्लेबाज केवल 153 रनों के स्कोर पर आउट हो गए। उछाल भरी पिच पर अपने विकेट नहीं बचा सके भारतीय बल्लेबाज। दोनों ही मैचों में भारत की शुरुआत खराब रही है और शीर्ष क्रम लगभग ढह गया। पहले मैच में रोहित शर्मा ने जरूर शतक लगाया, लेकिन दूसरे मैच में जिस तरह का दयनीय प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों ने किया उससे जरूर टीम निराश होगी। वर्ल्ड कप के लिए ये अच्छे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में अपने मैच पर्थ, एडिलेड और ब्रिस्बेन में खेलने और यहाँ पर परिस्थितियाँ भारतीय टीम के अनुकूल फिलहाल तो नहीं लग रही हैं। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज पिछले दो मैचों में फेल हुए हैं उससे टीम मैनेजमेंट की चिंताएं बढ़ गई हैं। टेस्ट सीरीज में बेहतरीन फॉर्म में रहे विराट कोहली पिछले दोनों मैच में फेल हुए हैं। शिखर धवन अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए, वहीं कप्तान धोनी का बल्ला भी खामोश रहा है। भारतीय टीम को अपने गेंदबाजी सेक्शन में भी ध्यान देना होगा। गेंदबाज महत्वपूर्ण समय पर विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, वो ये एक बड़ी चिंता हो सकती है। आने वाले मैचों में उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय टीम अपने प्रदर्शन को सुधारेगी और वर्ल्ड कप के लिए उसके फैंस कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं।